सफेद ताज, काला ताज, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आज। मीनारों के, दीवारों के राज से पर्दा खुलेगा आज। आपने सुना होगा दुनिया में 7 अजूबे हैं। अब देखिए ताज के 7 अजूबे। सबने सुनाई कहानी, कभी दादी कभी नानी। शाहजहां ने देखो बेटा ताज तो बनवाया था, लेकिन सारे मजदूरों का हाथ भी कटवाया था। पर इस कहानी में थोड़ा झोल है। ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत की सही। माना जाता है जिस आर्किटेक्ट ने ताज बनाया, उन्होंने ही आगे चलकर लाल किले की नींव भी रखी। उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। खैर, ताज सी इमारत नहीं है पूरे जमाने में, लेकिन भैया करीब 20 साल लग गए इसे बनाने में। ताज 1632 में शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन, और आर्मेनिया, इटली, फ्रांस, टर्की जैसे कई देशों के कारीगरों ने काम किया था। व्हाइट मकराना मार्बल आया जोधपुर से, इजिप्ट, रशिया, चाइना और अफगानिस्तान जैसे देशों से लाए गए थे कीमती पत्थर। आज पॉल्यूशन का असर ताज पर नजर आने लगा है, इसीलिए इसे दिया जाता है स्पा, वो भी मुल्तानी मिट्टी से, और हमारा ताज फिर से चमक उठता है। हर रोज टूरिस्ट यहां आते हैं हजारों में। किसे पता था राज छुपा है दीवारों मीनारों में। ताज की चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अगर किसी अर्थक्वेक की वजह से ये गिरती भी हैं, तो ताज को कुछ नहीं होगा। और सुनिए, सुबह सुबह ताज हल्के पिंक कलर का दिखता है, शाम को मिल्की व्हाइट, और चांदनी रात में ये हो जाता है ब्राइट सिल्वर। मगर कहा जाता है शाहजहां का एक और सपना था। ऐसा ही एक ताज बने नदी के उस पार, काले संगमरमर से होता वो तैयार। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया। आज ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की शान में बनी दो कब्रें नजर आती हैं, लेकिन ये उनकी असली कब्रें नहीं हैं। शाहजहां और उनकी बेगम दुनिया की नजरों से दूर एक शांत कमरे में दफन हैं, जो दरअसल गार्डन लेवल पर है। इंडिया की ये शान करता सबको ये हैरान, यूं ही नहीं अजूबा इसे कहते मेरी जान। It happens only in India.